घटना हुआ है उसको लेके काफ़ी दुखित हैं। तो ऑलरेडी ये मैटर जो है पुलिस उसको एक्टिवली परस्यू कर रहा है। तो सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर में हमारा जो DGP है अभी जो लैप्सेस जो हुआ है वो ज़रूर इसको टेकअप करेंगे विद एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़। पुणे में भी एक असॉल्ट की खबरें आई थी कि अरुणाचल की यूथ को असॉल्ट किया गया, उसके किस प्रकार एक्शन लिया? ये रिपोर्ट हमको आया है तो तुरंत हमने अपना DGP को कहा है कि वहाँ का महाराष्ट्र के DGP से बात करने के लिए। तो दोनों DGP का बीच में टच में है और वो लोग अकॉर्डिंगली एज पर रूल जो भी है वो लोग एक्शन ले रहा है। IMC के आज फाउंडेशन डे में किस प्रकार आप यहाँ पे सपोर्ट करेंगे IMC को ईटानगर को बेस्ट सिटी बनाने के लिए? देखिए, मैंने ऑलरेडी कहा कि ईटानगर नाहरलगन जो ट्विन कैपिटल सिटी है और इसमें जो अपना जो कॉरपोरेशन है ULB का वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस यहाँ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मीटअप करने के लिए। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हम करेंगे कि राज्य सरकार का जो प्लानिंग है ईटानगर नाहरलगन के लिए और उस प्लानिंग के अंतर्गत में IMC का जो प्लानिंग है उसको सिंक्रोनाइज करते हुए ताकि मिसमैच ना हो। कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि IMC कुछ प्लान कर लेता है और सरकार भी कुछ प्लान कर लेता है तो बीच में कभी कभी सब्जेक्ट्स को लेकर क्लैश भी हो जाता है। तो फ्यूचर का जो जर्नी है इस प्रकार से क्लैश भी नहीं होना चाहिए। सो ब्रॉडली इसको एक सिंक्रोनाइज एक राज्य सरकार और IMC का तरफ से सिंक्रोनाइज प्लानिंग करके हम लोग आगे लेके जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी को मैंने मेंशन किया है कि कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स ये ICR रीजन में जो दो डिप्टी कमिश्नर है, कैपिटल है और एक पापमपारे है, दोनों को इसमें अलर्ट करने के लिए और वो लोग जाके अपना जाके चेक करने के लिए कि इलीगल आर्ट कटिंग कहाँ हो रहा है उसको टोटली बंद करने के लिए। आपने अनाउंस किया 300 करोड़ एजुकेशन को आपने प्रोवाइड किया है। रिसेंटली आपने ईटानगर स्कूल का इनोग्रेट किया, आप कल भी जो जाएंगे JNV को इनोग्रेट करने। तो किस प्रकार आप एजुकेशन सीनरी को चेंज करना चाहेंगे अरुणाचल प्रदेश में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी एजुकेशन जो क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दी जाती है वो किस प्रकार? एजुकेशन जैसे मैंने कहा कि हर एक सरकार का ये एक टॉप प्रायोरिटी एरिया होता है एजुकेशन और हेल्थ। और जहाँ जहाँ मैं अभी डिस्ट्रिक्ट टूर में पिछले कई सालों से विंटर्स में जो कर रहा है, मैं स्कूल्स में भी जाके देख रहा हूँ कि कई जगह में हालत बहुत ही बुरा है। तो क्योंकि हमारा भविष्य जो है वो यंग जनरेशन्स में है, छोटे बच्चे लोग हमारा फ्यूचर है, तो एजुकेशन का माहौल जो काफ़ी अच्छा होना है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले हम लोग फेसलिफ्ट करके अभी काफ़ी स्कूल्स हम लोग ने रिप्लेस कर पाया। और इस साल भी मैंने कल परसों ही अभी 300 करोड़ का एलोकेशन का हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है। और आने वाला दिनों में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि जो टीचर्स लोग जो है उनका भी टाइम टू टाइम अच्छा ट्रेनिंग हम लोगों को देना पड़ेगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसको हम लोग राज्य में फुल रोल आउट करना है बाय 2030। तो उसका भी साथ साथ हम लोगों को काम करना है, जिसमें से हमको जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर लगता है कि ये फाउंडेशन जो है वो है अपना ECCE के माध्यम से, ये हमारा बच्चे का फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन अच्छा होगा तब जाके आपका मतलब अगर पेड़ है तो पेड़ का फाउंडेशन अच्छा होगा तो पेड़ मजबूत रहता है, घर का फाउंडेशन अच्छा होगा तो घर मजबूत रहता है। सो आवर फोकस इन एजुकेशन विल बी ऑन फाउंडेशन। सर, आपने रो फॉर केबल ट्रांसपोर्टेशन का बारे भी कहा जो कि बहुत अच्छा बात है कि आने वाला है, लेकिन कौन सा स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट से कौन सा कैपिटल से शुरू होगा ना या फिर डिस्ट्रिक्ट? इसका डिटेल क्योंकि अभी वो DPR स्टेज में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का उनका अपना एक एजेंसी है उसमें काम चल रहा है। अरुणाचल में 4 जगह में बनेंगे अलग लोकेशंस में, एक तो अपना ICR एरिया में ही है और बाकी 3 जो है अलग अलग लोकेशंस में है। टोटल 4 रोपवे प्रोजेक्ट्स अरुणाचल के लिए अप्रूव हो चुका है। मनी कल्चर को लेके मैं Day 1 से ही इसका मैं विरोध करते आया हूँ। 2019 इलेक्शंस में भी हमने विरोध किया, इस बार का भी इलेक्शंस अभी आने वाला है, इसका चर्चा मैं बहुत पहले से ही पब्लिकली हम उसको अपील किया है लोगों को। मैंने कहा पब्लिक को कि पैसा देने वाला ही करप्ट नहीं होता है, पैसा लेने वाला भी उतना ही करप्ट होता है। तो हर एक समाज में मैं जाके इसको हम वॉइस आउट कर रहे हैं, तो लेट्स सी इस बार थोड़ा सा एक कंट्रोल एक आ जाए तो इट्स वेल एंड गुड। अभी तक जो 3 साल में हम लोगों का जो लेखा जोखा हुआ आज उसका सारा आंकलन आज बता दिया। हम लोगों ने जो अपना 19 हमको छोड़ के जो अनदर 19 कॉरपोरेटर के साथ और अपना ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स के साथ हम लोगों ने जो कुछ भी किया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दायरे में जो आता है 2 कॉन्स्टिट्यूंसी 13 ईटानगर और 14 दोईमुख, दोनों में हम लोग जो मुमकिन हुआ हम लोग से कोविड होने का बावजूद भी बहुत धनराशि का कंस्ट्रेन होने का नाते भी जो कोशिश किया आज हम आपको स्लाइड में पूरा दिखा दिया। इसलिए ये पहला स्थापना दिवस हमने मनाया जबकि हमारा जन्म 3 साल
पुराना है। देखिए हम, मैं कॉरपोरेशन को छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं ईटानगर को छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, इस दुनिया को भी बहुत जल्दी छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। मेरा एक आपका माध्यम से ये एक सूचना क्लियर कर देना है कि हम लोगों को जब कोई कार्य करता है, मैंने अभी आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब के सामने भी बोला है, जब कोई काम करने जाएगा यहाँ सिस्टम में बहुत खोद है। यहाँ ईटानगर का आदमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आज का तारीख में? ट्रैफिक का इशू सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा गरीब लोग का वेंडिंग जोन, गरीब लोग का, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ऑफिसर्स एंड बहुत धनवान पैसा वाला का बात नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक इशूज बहुत है, पार्किंग नहीं है, आपको पता है, और सेवरेज इशू, सेप्टिक इशू बहुत है, खास करके गरीब लोगों को पार्किंग चाहिए और वेंडिंग जोन चाहिए। गरीब का समस्या को बहुत कम लोग देख रहे हैं। हमने क्लियर कट बोला, यहाँ ऑफिसर्स लोग, हमका PWD RWD सब डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स, सबका 18 साल हो गया, 19 साल हो गया। एक्चुअली कोई कोई लीडर नॉर्मली ये बोल नहीं पाता है, लेकिन हम गरीब लोगों के लिए, आम जनता के लिए तमें पसंद खोल के बोलेंगे। खोल के बोलना हम इसलिए चाहते हैं कि हमने अंडरस्टैंडिंग में और आपको मीडिया में रूप, देखिए मीडिया जो है मेन है डेमोक्रेसी में, मीडिया को कोई नहीं रोक सकता, सबसे बड़ा ताकत आप लोग हैं। इसलिए आज हम ये स्थापना दिवस का बाद ही खोल के बोल पाया, क्योंकि समय आ रहा है, अभी बोलने का सही समय है, हमको ऐसे लगता है। बहुत काम करने के लिए गरीब लोग के लिए, लेकिन यहाँ हो नहीं पाता है। इसमें दिक्कत ये है कि अभी जो 15 साल जो नेतागिरी कर रहा है, इंजीनियर जो 17 साल कर रहा है, 18 साल के लिए, वो गरीब के लिए देखता नहीं है, ईटानगर का पार्किंग के लिए देखता नहीं है, ईटानगर का वेंडिंग जोन के लिए देखता नहीं है, ईटानगर का गरीब का समस्या को नहीं देखता है। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया 2024 को हम ईटानगर छोड़ के नहीं जा रहे और IMC छोड़ के नहीं जा रहे, हम वही रहेंगे। लेकिन हमारा एक क्रेत्रिया है, हमारा एक मिनिमम डिसिप्लिन है, हमारा पार्टी में हम लोग पब्लिक सेवा करने के लिए एक अलग अलग डिसिप्लिन है, अलग अलग स्थान है। मैं जिस जगह में खड़ा हूँ पब्लिक सेवा करने के लिए, ये बहुत कम है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ डिसिप्लिनस में हम पीछे रह जाता है। इसलिए हम 100% पब्लिक को सर्विस करने जा रहे हैं, ये ओपन सीक्रेट बात है। अभी जब हमारा प्रक्रिया होगा 2024 का, 2-3 महीना में इलेक्शन होगा, 3 महीना का अंतर्गत 1 महीना से पहले हम लोग टिकट का प्रक्रिया होगा, फिर पार्टी डिसिप्लिन करने जा रहा है। इसलिए हम अपना तरफ से, मैं डिसाइड कर रहा है कि हमने इस बार 13 ईटानगर के लिए, मैंने आपको मालूम है 2014 को भी मैंने चुनाव लड़ा था, तब हम लोग अपोजिशन ने बोल के रह गया, हमको अपोजिशन रूलिंग से मतलब नहीं है, हम बस BJP पार्टी में मोदी जी का और पेमा खांडू जी का सिपाही है। मेरा ये अपील रहेगा कि BJP का सोच में, मोदी जी का, पेमा खांडू जी का जो सोच में रहता है, वो गरीब के लिए सोचे, और इस टिकट का रेस में मैं हूँ। इसलिए मैं क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूँ, मैं टिकट का रेस में हूँ, और उसके बाद हाईकमान से मेरा पूरा भरोसा है, क्योंकि जब BJP यहाँ में कोई लीडर नहीं था, कैंडिडेट नहीं था, सब बिकाव हो रहा था, ऐसे करके लड़ाई लड़ता है। यहाँ बहुत लीडर है जो रिलेटिव का नाम में लड़ता है, जो पैसा का बलबूते में लड़ता है, परफॉर्मेंस नहीं देता है। किसी लीडर को परफॉर्मेंस देने के लिए हम लोग तो 3 साल का लेखा जोखा दे रहा है, 15 साल का भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। इसलिए हाईकमान को भी मेरा क्लियर मैसेज है, हम लोग BJP यहाँ ऑल अरुणाचल में, जब BJP का जब अपना लेखा जोखा को अपना जब टिकट गिरी देगा भी, तो डेडिकेटेड और डिसिप्लिन परफॉर्मेंस का ऊपर देना नहीं चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि गलत लोगों को पैसा का ताकत में, रिलेशन का ताकत में देगा, तो कल जाके पब्लिक का सर्विस के लिए वो लीडर नहीं होगा। बिल्कुल आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मैं टिकट रेस में बिल्कुल हूँ, और समाज के लिए हमको कोई गाड़ी घोड़ा के लिए, देखिए एज ए कैंडिडेट मीन्स आई एम सीरियस कैंडिडेट, बाकी हर बात को हमारा पार्टी का डिसिप्लिन में जाएगी, हम टिप्पणी नहीं कर सकता है, बट आई एम वेरी सीरियस कैंडिडेट। मैंने 15 साल में, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ईटानगर का समस्या, बिल्डिंग का सिस्टम नहीं है, कोई बाइलो नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई इंजीनियर लोग 18 साल 20 साल बैठता है, पब्लिक का बात नहीं सुनता है, सिर्फ पैसा वाला धनी वाला को देखता है, गरीब को नहीं सुनता है, ये मेरा आरोप है। पार्किंग जोन नहीं है, ट्रैफिक इशू है, ये मेरा आरोप है, यानी कि समाज का आरोप है, उसको सुधारने के लिए मैं कूद रहा हूँ, वही बुरा। इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सेल शुरू हो चुका है, बाइए ग्रेट ऑफर्स लीडिंग बैंक कार्ड्स पर और ग्रेट डील सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पर, सिर्फ आपके नजदीकी रिलायंस डिजिटल या माई जियो स्टोर्स पर, शर्तें लागू।